Hello students, here once again I am with you to discuss a new chapter from the book First Flight of class 10. And before starting the video, let me request you to subscribe my channel so that I can bring more and more videos for you. तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का जो एक पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिसका टाइटल है फायर एंड आइस। तो पहले भी हमने एक पोएम पढ़ चुका है फायर एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो और ये भी उसी तरह का एक छोटा सा पोएम है ऑल्दो इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम बट इट कैरीज अ वेरी मीनिंगफुल आइडिया और अ मैसेज फॉर द रीडर्स। सो ये जो फायर एंड आइस है You know what fire is and you also know what ice is. But what it indicates in this poem that is important. So chalo, shuru karte hain. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. एंड वुड सफाइस। तो बेसिकली पोएम में ये बताया गया है कि वट शुड बी द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन वी नो दैट एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय वन डे एक ना एक दिन हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कैसे होगा ये हमें पता नहीं वी डोंट नो ओके बट वी कैन अज्यूम समथिंग दैट विल बी द कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे पॉइंट दो चीजें बता रहे हैं चलो लाइन वाइज देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड ये जो धरती है ये विश्व है ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा कैसे ना फायर के वजह से मतलब आग के वजह से। सम से इन आइस और कुछ क्या बोलते हैं नहीं नहीं ये आइस से होगा बर्फ की वजह से होगा। So from what I have tasted of desire, what I have tasted of desire, मतलब tasted का मतलब तुम्हें पता है चखना। तो मैंने जो टेस्ट किया है मतलब whatever I have experienced, यहाँ पर टेस्ट का मतलब है experienced। तो whatever I have experienced of desire, so let me tell you, here fire is represented as desire. This is a symbolic poem where the two word fire and ice used as a symbol. तो फायर को यहाँ पे डिजायर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है और आइस को क्या किया गया है वो बाद में नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने फायर के बारे में जितना मुझे पता है मतलब डिजायर के बारे में जितना मुझे पता है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ से वट फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ मतलब आई होल्ड विद दोज I stay with them, I support them who favor fire. जिनका मानना है who favor fire मतलब जिनका मानना है कि fire के वजह से मतलब desire के वजह से एक ना एक दिन ये world खत्म हो जाएगा The world will destroy one day due to the desire. Desire what desire means wants, excessive wants. Okay. मतलब हम अगर किसी चीज़ को तहे दिल से चाहते हैं और उस चीज़ को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं इफ़ वी आर रेडी टू डू वट एवर वी कैन टू अचीव समथिंग टू हैव समथिंग टू गेट समथिंग दैट इज कॉल्ड डिजायर एंड दैट विस ऑफ हैविंग समथिंग एंड बी मैड टू हैव दैट सेम थिंग इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके सो सेकेंड स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं सेकेंड स्टैंजा में But if it had to perish twice, it had to perish, it here refers to the world, had to perish twice, perish means destroy. अगर ये दुनिया को दोबारा से मतलब twice means second time, अगर दोबारा से destroy होना पड़ा और there will be a second option of destruction, then I think I know enough of hate. तो मुझे ये भी पता है कि I know enough of hate. So ice is represented or ice is symbolized as hatred, घृणा, नफरत। Okay.
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. अगर कहा जाए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी के लिए, ध्वंस के लिए, तो ये आइस जो है, बर्फ जो है, ये भी काफ़ी है, इज ऑल्सो ग्रेट. एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब बुक में दिया गया है सफिशियंट, मतलब आइस कैन बी ए सफिशियंट रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इफ इट पेरिस फॉर द सेकेंड टाइम और इफ इट हैज ए सेकेंड ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो ओवरऑल हम पोएम में ये देख रहे हैं कि पोएट बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय होगा, और वहाँ पे दो रीज़न, वो दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो वो आइस से होगा या तो फायर से होगा, मीन्स या तो वो हट्रेड से होगा या तो वो डिज़ायर से हो जाएगा. ओके, तो द बेसिक थीम ऑफ द पोएम इज डिस्ट्रक्शन एंड द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन. ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज द पोएट इज सपोर्टिंग द फायर, द डिज़ायर, as per his experiences, as per his observations, मतलब उनका जो कहना है, जो फर्स्ट एंड जगह थर्ड लाइन है, what I have tested of desire, जो कि मुझे पता है desire के बारे में, मैं जितना जानता हूँ, तो क्या होगा कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ जो कि desire के सपोर्ट में है, मतलब जो कि फायर के सपोर्ट में है. ठीक है, तो इतना ही तुम्हें जानना है कि दो रीज़न है, what are the causes of destruction अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, पॉइंट के हिसाब से डिस्ट्रक्शन कौन से चीज़ में हो सकता है और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, और वाई द पॉइंट थिंग्स द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय इन टू वेज, एंड व्हिच वन द पॉइंट सपोर्ट्स, कौन सा जो चीज़ है उसे पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू.